तो कहानी शुरू होती है कई सौ साल पहले से। ए, बचाओ! अरे बचाओ! अरे इतना भी नहीं यार, थोड़ा आगे आ जा। ए, बचाओ! अरे बचाओ! अबे योगी, थोड़ा पीछे यार। हाँ हाँ, बराबर बराबर, इसकी सैलरी होल्ड पे रखना तुम तब तक। जहाँ होने वाली है एक जंग, वन मैन आर्मी, और सामने है बहुत ज्यादा लोग, लोग ही लोग। कौन है ये लोग? और दूसरी तरफ है उसके एक तिहाई फौज। ए, बचाओ! मगर लड़ने के लिए लोग नहीं, जिगरा चाहिए होता है सूर्या। जहाँ कुणाल कपूर कर रहा है लोगों के साथ मारकाट मारकाट, फिर ले रहा है उन्ही के खून में बात। काफी अजीब बात सॉल्ट यूज कर रही है। अबे अच्छे वाले यूज कर लेना, ऑनलाइन देख कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं। ये स्टोरी 500 इयर्स पहले की है। योगी तेरी सैलरी काट दूंगा 2000। जहाँ कुणाल कपूर कह रहा है, ए बचकाने, ये सब मैं 14 साल की उम्र में कर रहा था। आई मीन 14 साल की उम्र में मुझे खेलना कूदना चाहिए था, इन्होंने राजा 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 करेजा में समाजा कर दिया मेरा। I'm sorry, my condolences. और फिर आता है स्क्रीन पे कि ये है इंस्पायर्ड बाय एलेक्स रदरफोर्ड की फिक्शनल नॉवल से। आई सी, ये सही है, जिसने नॉवल नहीं पढ़ी उनके लिए पूरी पिक्चर बना दी। थैंक यू हॉटस्टार। तो अब मैं सीरीज बिंज वॉच करूंगा चीज पॉपकॉर्न के साथ। तो करना। तो यहाँ कुणाल कपूर को 14 साल की उम्र से ही सिंहासन मिल गया, एंड इसे अब नहीं पता कि क्या करना है। यही होता है जब रोल नंबर के हिसाब से मॉनिटर चेंज होता है। बना तो दिया रोल नंबर 12 को मॉनिटर, पर अब क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। तो कुणाल कपूर पे है बचपन से जिम्मेदारी अपना राज्य संभालने की, और बस राज करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वो तो सब करते हैं यार। तो इसे बनाना है अपने राज्य को एक बड़ा एम्पायर, ताकि इसमें दौलत हो, शोहरत हो, मल्टीप्लेक्स हो, स्टारबक्स हो, सॉरी मेरे शब्दों पे बन जाओ। कविता का भाव समझिए। पर अब क्लास मॉनिटर है कंफ्यूज्ड, तो इसके क्लासमेट्स इसे आके बोलते हैं, नहीं भाई, अच्छा मॉनिटर बनेगा तू, बोर्ड पे नाम ही तो लिखना है। इस जगह की रक्षा ही तो करनी है, और इस राज्य को बड़ा करना है। स्मूथ एज क्रीम ब्रो, स्मूथ एज क्रीम। ओके। और इस ग्रैंड स्केल राज्य को एक्सपेक्टेशंस है काफी, इससे काफी ज्यादा ही ग्रैंड लोकेशन है यार, ये काफी बजट लगा होगा इनका। तो इसे खतरा है एक इंसान से, डीनो मोरिया। What's up? बड़े टाइम बाद दिखे हो चचा, कहाँ थे इतने दिनों से? Mind your business. तो डीनो मोरिया जो एक बहुत बड़ा शो ऑफ है, देखो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सोच मेरी देगी तुझे उल्टा सदमा। चल जो कुणाल को बोलता है, ए कुणाल मेरी कुछ शर्तें हैं। ए डीनो मोरिया, जो सीने में आग लेके चलते वो रखते नहीं शर्तें। फिर भी अब तूने डायलॉग बोल ही दिया है, तो बता क्या शर्त है तेरी? ए आँख के अंधे, अभी ट्रेलर में सब बता दूंगा तो तू सीरीज घंटा नहीं देखेगा। ए अच्छा पॉइंट बोला तूने, लेट्स कंटिन्यू। ओके। पर सिंस दोनों साइड की पार्टीज खुश नहीं है इस शर्त मंजूरी से, और हो रहे हैं काफी मसले, डीनो मोरिया की साइड वाले हैं दुखी, और कुणाल कपूर के साइड वाले हैं एक्स्ट्रा दुखी। तो कुणाल कपूर ने डीनो मोरिया का समर्थन का ऑफर एक्सेप्ट कर ही लिया, अपनी मर्जी से या फिर सिर्फ हमें ही ऐसा लग रहा है? बिकॉज जो लगता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो लगता नहीं। अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? इसके घर वाले पूछते हैं, अब तो ड्रॉप ले लिया तो अब क्या करेगा? कॉरेस्पोंडेंस? नहीं, मैं जाऊंगा अपने घर से दूर, दूसरे राज्य से लड़ने, क्योंकि लड़ना इज कूल, और एम्पायर एक्सपेंड भी तो करना है। चलो सैनिकों, सूटकेस पैक कर लो। और पूरे राज्य में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, मतलब शन से खत्म होने वाले सारे के सारे एडजेक्टिव जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और फिर से मसले शुरू, दिखाया जा रहा है सीन, लफड़े से पहले वाला सीन, सीन लड़ाई, सीन बिबोइंग, सीन लड़ाई, मोर लड़ाई, हाथी घोड़ों वाली लड़ाई, तोप से लड़ाई, बिकॉज टेक्नोलॉजी थी यार तब, और जब टेक्नोलॉजी हुई फेल तो हाथ से लड़ना पड़ेगा, चाहे हाथी ही सामने क्यों ना खड़ा हो, या जब हाथी सामने हो तो पीछे भागते हैं वो भी तेज, जूते के फीते बांध के, पर मेरी बात कौन सुनेगा? क्योंकि एम्पायर जो बनाना है, पर वेल जब इतने ग्रैंड स्केल पे वॉर हो ही रही है, जहाँ बहुत ज्यादा बजट अलोंग विद काफी कास्ट एंड क्रू अलोंग विद एक्सपेंसिव सीजीआई इन्वॉल्व है, वो भी ग्रैंड स्केल पे, तो आगे ही भागना पड़ेगा ना, वरना वहीं पकड़ के मारेंगे इसको। कहानी कई साल की।
दुश्मन